Hello students, I welcome you to my YouTube channel English classes with Sasi Singh. Just in this video, we are going to start with a chapter that is uh, the glimpses of past. It is from your book Honeydew Class 8. So let's begin with the chapter and enjoy it. Before you read, so what is here? Here are some pictorial glimpses of the history. ऑफ आर कंट्री फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन टू एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मीन्स सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन से लेके एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन तक का पूरा हिस्ट्री जो है उसमें से कुछ ग्लिम्पिस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है पिक्टोरियल ग्लिप्सिस को यानी कि विद पिक्चर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है उन झलकों झलकियों को इतिहास की कुछ कुछ झलकियों को यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है और वो झलकियाँ किस टाइम की हैं 1757 हंड्रेड फिफ्टी सेवन टू एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन तक की हैं एंड दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन और आगे राइटर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं और जो स्पीच बबल्स हैं ना ये क्लैरिफाई कर देंगे आपको समझने में किस चीज को समझने में उन कंडीशंस को दैट लेड द इवेंट जो कि इस इवेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल थे कौन से इवेंट के लिए जिसको हम जानते हैं एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन एटीन हंड्रेड फिफ्ट 57, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिस इवेंट को हम जानते हैं उस इवेंट को क्लैरिफाई कर देंगे इस चैप्टर के कुछ पिक्टोरियल ग्लिप्स ठीक है चलिए तो सबसे पहला जो ग्लिम्स है सबसे पहली जो झलकी है यहां पे वो है इसके जो मार्टियर्स हैं, यानी कि शहीद इनको बोलते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चे कि यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर एंड uh, यहाँ पे जो लता मंगेशकर जी हैं ये एक सॉन्ग अपना गा रही हैं जो सॉन्ग इनका काफ़ी फेमस सॉन्ग रहा है और वो सॉन्ग क्या है ओ माई कंट्री मैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइज ऑफ इंडियन मार्टियर्स यानी कि ओ माई कंट्री मैन मीन्स वो बोलती हैं अ मेरे वतन के लोगों उनका जो फेमस सॉन्ग है वो ही यहाँ पे वो गा रही हैं इस फंक्शन में जो कि दहली में हुआ था कि अ मेरे वतन के लोगों लेट योर आइज फिल विद टीयर्स अपनी आंखों में आंसू ले आओ या अपनी आंखों में पानी भर लो आंख में भर लो पानी कुछ ऐसे करके इसके बोल हैं एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइजिज ऑफ इंडियाज मार टियर्स जब आप सेक्रीफाइज को रिकॉल करते हो यानी कि शहीदों की कुर्बानियों को जब आप याद करते हो तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है हे hey, मेरे वतन के लोगों तो इस तरीके से वो ये सॉन्ग यहाँ पे गा रही हैं उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना इंसिडेंट है वो देख लेते हैं द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग होता है बच्चे विक्ट्री यानी कि विजय तो कंपनी की विजय कंपनी की विजय जो कंपनी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय कब हुई थी भाई सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन टू एटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इट वॉज रूलिंग ओके इट गॉट कनक्वेस्ट वो जीत गई थी ठीक है मतलब उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था सो लेट्स सी विद सुपीरियर विद इट्स सुपीरियर वेपन्स यानी कि इसके सुपीरियर वेपन्स की वजह से सुपीरियर वेपन्स किसके पास किसके पास थे ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे तो सुपीरियर वेपन्स की हेल्प से क्या हुआ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सटेंडिंग वो बढ़ रही थी अपना विस्तार कर रही थी इट्स पावर इन एटीन सेंचुरी और विस्तार किसका कर रही थी अपनी पावर का विस्तार कर रही थी अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी वो भी कब एटीन सेंचुरी में इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सुपीरियर वेपन्स की हेल्प से आ, अपनी पावर को एक्सटेंड कर रही थी उसका विस्तार कर रही थी उसको बढ़ा रही थी तो सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव का ये जो कंडीशन है उसमें आप देख लीजिए ये जो पूरा येलोइश कलर से जो इंडिया का मैप है दैट इज इंडियन प्रिंसेज यानी कि यहाँ पे राजाओं का आधिपत्य था इस पूरे एरिए में राजाओं का आधिपत्य था और ये जो ये, ये जो पिंक कलर में है ये सिर्फ ये ब्रिटिश टेरिटरी था लेकिन इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम पार्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के और ईस्ट इंडिया कंपनी के ने जिसको अभी तक ऑक्यूपाई किया था बट वॉट हैपन्स ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया वॉज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स एंड देर वर अ लॉट ऑफ रीजन्स काफी सारे उसके रीजन्स भी थे आगे देखते हैं इंडियन प्रिंसेज वर शॉर्ट साइटेड यहाँ तक हुआ उसके बाद देखते हैं इंडियन प्रिंसेस जो थे यानी कि जो भारतीय राजा थे राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे मतलब बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं सोचते थे एट द मोमेंट उन्हें जो चाहिए जो सही है बस वही हो जाना चाहिए दूर का नहीं सोचते थे कि आप किसको पना दे रहे हो किसको अपने फेवर में कर रहे हो नहीं तो दोज वर शॉर्ट साइटेड मीन्स सेल्फिस काइंड के थे तो वो सिर्फ अपने फेवर के लिए अपनी भलाई के लिए अपने वेलफेयर के लिए ब्रिटिशर्स को यूज कर रहे थे और ब्रिटिशर्स उनके इस पागलपन का फायदा उठा रहे थे तो देखिए दैट दे� अप स्टार्ट राजा बाहा कॉल द English मर्चेंट्स अगर किसी भी एक राजा की दूसरे राजा से क्या हो जाए थोड़ी सी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वो क्या करता था इंग्लिश मर्चेंट्स को बुला लेता था यानी कि अंग्रेजों को बुला लेता था दे विल हेल्प हिम मी टू डिफीट हिम तो वो बोलता था कि वो ही है यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ही हैं जो मेरी आ, उन लोग उन आ, दूसरे राजाओं को डिफीट करने में उनको हराने में मेरी हेल्प करेंगे इस तरीके से वहां पर बोला जा रहा था आगे देखते हैं द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स लोगों में बिल्कुल भी शांति का माहौल नहीं था क्योंकि कॉन्स्टेंट फाइट्स होते रहते थे राजाओं के बीच में आगे देखते हैं द राइवलरीज हेल्प हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कोड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन जो राइवलरीज थी यानी कि जो भी ये राजा लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प कर रहे थे और इसकी वजह से सबड्यू हो गए इंडियन प्रिंस वन बाय वन यानी कि उनके अधीन हो गए आ, किसके एक एक करके अंग्रेजों के अधीन हो गए देवर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू फाइट अगेंस्ट देयर अगेंस्ट देयर एक तरीके से कहो ना uh, एनिमी अपने दुश्मन के अगेंस्ट में वो ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे और ब्रिटिशर्स उनकी इस चीज का फायदा उठा रहे थे तो वॉट दे डिड ब्रिटिशर्स ने क्या किया दे सबड्यूड दैम ओके वन बाय वन आगे देखते हैं अ फार सींग रूलर लाइक द ब्रेब टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग फार सींग रूलर यानी कि एक बहुत दूरदृष्टि वाला जो रूलर था जिसको कि ब्रेब टीपू सुल्तान मैसूर से जो थे मैसूर एक स्टेट uh, है वहाँ से जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत अच्छे से यानी कि बहुत ज़्यादा फाइट किए और जब तक फ़ाइट किए जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्या है कुछ लोग यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे दो तरह के लोग दो टू पार्ट्स में डिवाइड है ये पेज और एक पेज में तो है जो कि ब्रिटिशर्स के फेवर में है और दूसरे पेज में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है दीज ऑल आर इंडियंस ये सभी भारतीय हैं तो देखते हैं पहले इंग्लिश के और ब्रिटिशर्स के फेवर में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ नो मोर वार एंड नो मोर लूटिंग बाय था वो क्या बोलते हैं कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद अब तो पूरे देश में शांति हो गई है और कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे हैं और लूटिंग बाय थग्स भी नहीं हो रहा है यानी कि जो लुटेरे हैं वो लूटमार भी नहीं कर रहे हैं इट इज इट इज गॉड हु हुट द ब्रिटिशर्स उनका मानना यह था कि ये भगवान है जिसने ब्रिटिशर्स को भेज दिया है और अब हम 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 लोग का जो पैसा है धन है वो लूटा नहीं जा रहा है उसको लुटेरे लूट के नहीं ले जाते हैं इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स और आगे क्या बोलते हैं वो आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम हमारी तो जो किस्मत है ना वो लिंक है किससे ब्रिटिशर्स के साथ में हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट हाँ तो इन कॉन्क्वेस्ट पे इन विजियो पे इन सारे झगड़ों पे ये जो इंडियंस के रिएक्ट थे वो बताए जा रहे हैं इस वाले में तो एक तो फेवर में है ब्रिटिशर्स के और ये वाला जो पार्ट है ये अगेंस्ट में है तो इन लोगों का क्या मानना है वो देख लेते हैं द वाइट मैन हैज किल्ड और डी थ्रोन्ड आर किंग जो वाइट मैन है यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किल्ड कर आ, कर दिए उन्होंने और डी थ्रोन्ड कर दिए हमारे राजाओं को यानी कि उनके सिंहासन छीन लिए उनको मार दिया है ऐसा ये लोग बातें कर रहे हैं एंड सम किंग वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे आर दे वर ऑफ दिस लैंड और आई इनमें से एक बोलता है कि हाँ ये बात ठीक है कि जो कुछ राजा है ना वो अच्छे नहीं हैं बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड लेकिन हैं तो वो सब इस जमीन के यानी कि हमारे देश के एंड दीज ब्रिटिशर्स आर फॉरेनर्स और एंड दे आर रूलिंग ऑन अस वो हम पे रूल कर रहे हैं आगे क्या है तीसरा क्या बोलता है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स फॉर स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स अब हम फॉरेनर्स के स्लेव्स बन गए हैं अब हम विदेशियों uh, के गुलाम बन गए हैं तो इस तरीके से यहाँ पे टू पार्टीशंस थे लोगों के रिएक्ट थे इंडियंस के रिएक्ट थे एक पार्टीशन अंग्रेजों के फेवर में था और दूसरा उनके अगेंस्ट में था आगे देखते हैं थर्ड इसका जो पार्ट है वो कहता है ब्रिटिश रूल अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो सिर्फ एक दिल्ली फंक्शन के अंदर जब लता मंगेशकर जी सिंह कर रही हैं उस गाने को गा रही हैं तब देखा वो था एक ग्लिप्स तो हिस्ट्री का और दूसरा ग्लिम्स है कंपनी का कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से हुआ कंपनी ने विजय किस तरीके से हासिल की और ये भी ईयर 1757 टू 1849 तक इसकी रूलिंग बहुत अच्छे से चलती रही एंड देन आफ्टर वॉट हैपन द ब्रिटिश रूल अप्लाइड इन इंडिया एंड दे रूल्ड हियर इन सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव टू एटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स तक तो ब्रिटिशर्स ने जम के ही रूल किया था और यहाँ पर क्या चीज़ें रही थी वो हम आगे देख लेते हैं द रिलीजियस सॉरी रिलीजियस लीडर्स प्रीज आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज तो रिलीजियस लीडर्स जो थे वो प्रीच करते थे कैसे आइडियाज़ को अनटचेबिलिटी का और चाइल्ड मैरिज का यानी कि छुआछूत का और बाल विवाह की जो आइडियाज थे उनको प्रीच करते थे और उनका एक चीज़ और थी उनका एक मानना और था इन रिलीजियस लीडर्स का कि एनी वन हु क्रॉसेज द सी लूज हिज रिलीजन कि अगर कोई सी को क्रॉस करता है ना अगर कोई समुद्र को क्रॉस कर जाएगा समुद्र को क्रॉस करके ही तो इंग्लैंड या ये जो फॉरेन कंट्री है ब्रिटेन है यहाँ पहुंचा जाएगा तो उनका मानना था कि अगर कोई सी क्रॉस करके यहाँ से चला जाएगा तो उसका रिलीजन है ना वो लूज़ हो जाएगा यानी कि उसका धर्म नष्ट हो जाएगा उसका कोई धर्म नहीं रहेगा और और क्या बोलते थे ऑल द मिजरीज और कुछ का कुछ रिलीजियस uh, लीडर्स का मानना था कि ऑल द मिजरीज इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन और ये संसार में जितनी भी मिजरीज है ना जितने भी जो दुख हैं दैट ऑल आर द रीज़न ऑफ दीज वुमेन इन महिलाओं का ही कारण है यानी कि इन दुखों का कारण संसार में जितने भी दुख हैं इन सारे दुखों का जो रीज़न है वो एक औरत है एक महिला है ठीक है बट दीज वर द रिलीजियस प्रीचर्स बट दे डोंट नो दैट द लेडी हु गिव दैम बर्थ शी इज ऑल्सो अ वूमेन उनको ये नहीं पता था जिसने उनको जन्म दिया है वो भी एक महिला है सो हाउ कैन शी बी द रीजन ऑफ ऑल दरोज आगे देखिए और क्या था द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ड सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो सच्चाई थी वो ये थी कि जो इंडियंस थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल खो चुके थे द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम ब्रिटिश उनको लताड़ते रहते थे स्काउंड करते रहते थे मतलब छोटी छोटी बातों पे उनका रिस्पेक्ट को लूज करते रहते थे ठीक है द नेटिव्स आर अनवर्दी ट्रस्ट अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट वो देखिए अब यहाँ पे ये तो एक इंग्लिश मैन है एंड ही इज़ एन इंडियन एंड ही दिस मैन इज ऑल्सो एन इंडियन तो ये कह रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी तो ये कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी हैं यानी कि ईमानदारी के बिल्कुल भी लायक नहीं है ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के अंदर में तो ये जो इंडियन है ये बोल रहा है ट्री यू माई ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट सही बात है माई uh, ऑनर मेरे आका लेकिन मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ यानी कि अपना फेवर कर रहा है अपने फेवर में इस चीज़ को बोल रहा है एक ब्रिटिशर को तो ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे हमारे जो इंडियंस थे कुछ इंडियंस वो भी इन लोगों को पनाह दे रहे थे ठीक है बढ़ावा दे रहे थे तो बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स ये जो ब्रिटिशर्स uh, थे वर मर्चेंट हियर यहाँ पे व्यापारी बन के आए थे लेकिन उनको क्विक प्रॉफिट्स चाहिए थे इसलिए उन्होंने क्या किया दे अप्लाइड हैवी टैक्सेस दे फोर्सड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स तो उन्होंने जो फार्मर्स थे इंडियन फार्मर्स उन पर हैवी टैक्सेस को फोर्स किया भारी टैक्स लगाया यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया एंड टू अबेंडन देयर फील्ड्स और इस तरीके से क्या होता था कि वो उन टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे एंड दैट्स वाई दे अबेंडन देयर फील्ड्स और वो अबेंडन कर देते थे अबेंडन का मतलब है लीव करना त्याग देना छोड़ देना वो अपने फील्ड्स को छोड़ देते थे अपने खेतों को छोड़ देते थे त्याग देते थे और वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाते थे बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप अब यहाँ पे ये यह जो बातें चल रही हैं इन दोनों के बीच में ही इज़ अ ब्रिटिशर एंड दिस इज़ एन इंडियन फार्मर तो इंडियन फार्मर बोलता है कि दैट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप आपके लोगों ने मेरा सारा क्रॉप ले लिया है मेरी सारी फसल ले ली है यू आर स्टिल इन एरियर्स अब ये जो ब्रिटिशर है ये बोल रहा है कि यू आर स्टिल इन एरियर्स एरियर्स का मतलब होता है कर्ज में ठीक है कर्ज में हो तुम अभी तक कर्ज कर्ज में हो एंड इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक और अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पे नहीं किया ना आई विल सेंड यू टू जेल मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा ठीक है आगे देख लेते हैं और क्या हुआ अब स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटिड अदर मैथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट और इस टाइम तक तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैवी टैक्सेस तो वो फोर्स कर ही रहे थे बाकी दूसरे मैथड्स को भी उन्होंने इन्वेंट कर लिया था प्रॉफिट पाने के जो दूसरे मैथड्स थे वो भी उन्होंने अपना लिए थे क्या थे देखिए एक मैथड इनमें से यहाँ पर बोल रहा है कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट इन इंडिया तो एक ये इंग्लिश मैन बोलता है कि जो गुड्स जो सामान मैन्यूफैक्चर किया जा रहा है ना इंग्लैंड के अंदर उसको उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए जो कि इंडिया में लाया जा रहा है शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए जब वो इंडिया में आता है तो ठीक है अ गुड आइडिया तो दूसरा बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी uh, का जो लॉ था जो कानून थे जो नियम थे बिगेन टू तो क्रिपल क्रिपल का मतलब है अपंग बना देना ठीक है बेकार कर देना रूंट कर देना इंडियन इंडस्ट्रीज़ को वो बिल्कुल क्रिपल कर रहे थे क्योंकि अब जो सारा सामान था मोस्ट ऑफ द गुड्स वर वॉज इम्पोर्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड ज़्यादातर सामान इंग्लैंड से आ रहा था और उसी सामान की सप्लाई मार्केट में हो रही थी और फिर इंडियंस को भी अगर ज़रूरत होती थी, थी तो वो उसी सामान को खरीदते थे आगे है इन्वाइटिबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 हंड्रेड ट्वेंटी टू एंड एटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स फिफ्टीन लैक इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन यानी कि एक ऐसी आपदा आई कि 1822 से लेकर 1836 तक के बीच में कि 15 लाख इंडियंस जो थे वो स्टारवेशन से डाइड हो गए यानी कि भूख मरी से मर गए भूख से मर गए द रीज़न वॉज दैट कि सारा सामान इम्पोर्ट हो रहा था अब इंग्लैंड से तो यहाँ के हमारे इंडियंस जो आर्टिशंस uh, थे और उनका जो बिजनेस था वो कम्प्लीटली रूंड हो चुका था ठीक है तो ब्रिटिश पॉलिसीज रूंड द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो रूंड कर चुकी थी नष्ट कर चुकी थी एक्सपर्ट आर्टिशंस को और उनके बिजनेस को बिल्कुल ख़राब कर चुकी थी दैट्स वाई देवर देवर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन इसलिए वो भूख से मर रहे थे अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज राजा राम मोहन राय ठीक है आपने सुना होगा ये नाम काफ़ी फेमस नेम है एंड ही केम ही रिमेन बिटवीन सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी टू टू एटीन हंड्रेड थर्टी थ्री राम मोहन राय अ लर्नड मैन लर्न मैन मीन्स स्कॉलर ग्रेट विद्वान जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान तो राम मोहन राय जो थे ना ही वॉज अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल एंड अंडरस्टूड वॉट वॉज रॉन्ग विद द कंट्री और उनको ये चीज़ अच्छे से पता था कि देश में क्या गलत हो रहा है लेट इस नॉट डिस्पाइज आर सेल्फ वो बोले कि हमें अपने आप को डिस्पाइज़ नहीं करना है मतलब नीचा नहीं दिखाना है इन लोगों के सामने आर एंसियंट कल्चर इज़ ग्रेट हमारा जो प्राचीन कल्चर है हमारी जो प्राचीन संस्कृति है दैट इज़ ग्रेट वो महान है अद्भुत है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स और हम लोग ग्रेटर अचीवमेंट्स को कैप अचीव कर सकते हैं हम कैपेबल हैं ग्रेटर अचीवमेंट्स अचीव करने में वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी हमें पहले अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स करने हैं कुछ सुधार करने हैं सुपरस्टिशंस अस। हम लोगों को तो सिर्फ हमारे सुपरस्टिशंस ही रून कर रहे हैं यानी कि जो परंपराएं हैं रूढ़ीवादियां है, हैं वो ही हमें रून कर रही हैं वो ही हमें नष्ट कर रही हैं। आगे देख लेते हैं हाँ यहीं पर चलते हैं ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज राजा राम मोहन राय जी जो थे वो अट्रैक्ट थे काफी ज्यादा प्रभावित थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से एंड नॉलेज शुड भी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक उनका मानना था ये देखिए स्पीच है इनका बबल है ये कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए ऐसा उनका मानना था किसका राम मोहन राय का एक बार वो बोलते हैं अपनी वाइफ उमा को राजा राम मोहन की वाइफ थी उमा तो उसको बोलते हैं कि काउस आर डिफरेंट कलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स कि गायों का डिफरेंट कलर होता है बट द कलर ऑफ दअ मिल्क इज़ द सेम लेकिन उनके मिल्क का कलर तो सेम होता है ना डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द ईसेंस ऑफ ईच रिलीजन इज़ द सेम डिफरेंट टीचर्स के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एवरी रिलीजन का जो इसेंस है यानी कि जो सार है जो समरी है जो सारांश है वो तो सेम ही रहेगा यानी कि हर भी हर कोई रिलीजन क्या सिखाता है सिर्फ अच्छी बातें सिखाता है तो उसका जो सार है वो सेम रहता है रिलीजन भले ही डिफरेंट हो सकते हैं जैसे काओ जो है वो काफी कलर की होती है लेकिन हर काओ का जो मिल्क होता है वो व्हाइट होता है आगे देखिए ही क्रॉस द सी और इसके बाद में वो सी को क्रॉस करते हैं जैसा कि जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई सी क्रॉस करता है समुद्र को पार करता है तो उसका जो रिलीजन है वो लूज हो जाता है ख़त्म हो जाता है नष्ट हो जाता है तो उन्होंने क्रॉस किया था सी को ठीक है एंड वेंट्स टू इंग्लैंड और इंग्लैंड गए टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम ये देखने के लिए वो इंग्लैंड गए कि ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल क्या चीज बना रही है देयर ही टोल्ड देम और वहां जाके उन्होंने उनको कहा ब्रिटिशर्स को कहा वहां की जो गवर्नमेंट थी उसको कहा क्या कहा वो देखिए ये बबल है एक देखिए ये बोल रहे हैं आप वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स हमने आपको एक्सेप्ट किया एज अ रूलर यानी कि शासक माना एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट और आपको हमें अपना सब्जेक्ट्स मानना चाहिए सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा आपको हमें अपारी अपनी प्रजा माना चाहिए बट यू मस्ट रिमेंबर लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट की रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए अपनी प्रजा के लिए अपने लोगों के लिए रूलर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या होती हैं चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए जिनका आप ध्यान नहीं रख रहे हो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप दैम इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया लेकिन जो सस्पीसियस ब्रिटिश थे उन्होंने स्टॉप करवा दिया उनके न्यूज़पेपर को एटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में तो राजा रहा मोहन राय के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज और कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था अपना खुद का जो कि ब्रिटिश सर्स ने रुकवा दिया था बंद करवा दिया था आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन ये जो वर्ड इधर आया है ऑपरेस यस yes. ऑपरेशन 1765 टू 1835 ऑपरेशन का मतलब होता है विरोध ठीक है तो बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियन यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे यस yes. ऑपरेशन 1765 टू 1835 ऑपरेशन मीन्स होता है एक तरीके से आपका अत्याचार तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑपरेस कर रहे थे अत्याचार कर रहे थे इंडियंस के ऊपर तो देख लेते हैं आगे बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑपरेस करना कंटिन्यू कर रहे थे इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे इन एटीन हंड्रेड एटीन दे हैड पासड रेगुलेशन थर्ड मतलब एक रूल उन्होंने पास किया जिसका जिसको रेगुलेशन थर्ड के नाम से जाना जाता है एंड अंडर एट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट और इसके अंडर में ये लॉ बनाया गया कि किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता है विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा तो बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जा सकता है ऐसा एक एक्ट उन्होंने पास कर दिया किसने ब्रिटिशर्स ने तो इस तरीके से वो ऑप्रेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे लोगों के ऊपर इंडियंस के ऊपर ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस पूरा टाइम जब तक ये लोग यहाँ रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स वो बड़ी सैलरी यहाँ से उठाते रहे और अपने फॉर्चून को प्राइवेट बिजनेस में भी उन्होंने अप्लाई किया अपनी किस्मत को प्राइवेट बिजनेस में भी लगाया आजमाया जिसको कहें बाई 1829, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वॉर्थ सेवन करोड़ रुपीज टू इंडिया 1829 तक जो ब्रिटेन था 1829 में जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स को वर्थ जिसकी कीमत कितनी थी लगभग सेवन करोड़ रुपी इंडिया टू इंडिया को सेवन करोड़ रुपीज़ का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था कौन ब्रिटेन ठीक है जिसका फायदा सीधा सीधा किसको मिल रहा था ब्रिटिशर्स को ही मिल रहा था आगे देखते हैं अब इंसिडेंट आ जाता है किसका गवर्नर का ये जो गवर्नर हैं बैनटिक विलियम बैंटिक आपने नाम सुना होगा गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम होम मींस अपने इंग्लैंड में ब्रिटेन में उन्होंने एक रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट क्या था द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया कि जो कॉटन वीवर्स हैं द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी कि जो दुबले पतले कॉटन वीवर्स हैं ना वो ब्लीचिंग कर रहे हैं इंडिया के प्लेन्स को मींस खराब कर रहे हैं ठीक है तो ये जो जनरल बैंटिक था उसका ये उसने स्टेटमेंट क्यों दिया क्योंकि वो ब्लीच कर रहे हैं खराब कर उसको पता ही नहीं था कि जब वो प्लो नहीं करेंगे खेतों को तो उनमें क्रॉप कैसे प्रोडक्ट होगा उन क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होगा तो उसको ये चीज़ नहीं पता था उसने वहाँ पे रिपोर्ट किया विलियम बैंटिक ने कि जो बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स है वो ब्लीचिंग कर रहा है प्लेन्स ऑफ इंडिया को इंडिया के मैदानों को देश के भारत के मैदानों को फिर क्या है द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई ब्रिटिश जो थे वो प्रॉस्पर हो रहे थे ऑन द कंपनीज लूट कंपनी की लूट से जो ब्रिटिशर्स थे वो तो प्रॉस्पर हो रहे थे प्रॉस्पर मीन्स होता है धनवान वेल्दी ठीक है वो तो धनवान हो रहे थे वेल्दी हो रहे थे लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी दे बिगेन टू डाई वो मरने लगी थी वो खत्म होने लगी थी समाप्त होने लगी थी क्योंकि सारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो ब्रिटेन से हो रहा था और यहाँ के सामान को बहुत ही महंगा बेचा जा रहा था जिसकी वजह से जो लोग थे वो इंडियन खुद के इंडिया मेड गुड्स को परचेज नहीं करते थे अब क्या है डिससेटिस्फैक्शन दिस इज सिक्स्थ पार्ट डिससेटिस्फैक्शन का मीनिंग होता है असंतोष तो क्या रहा क्यों हुआ असंतोष देख लेते हैं एजुकेशन इन इंडिया वाज़ इन पर्सियन एंड संस्कृत एनशियन टाइम में क्या था जो एजुकेशन था भारत के अंदर वो सिर्फ पर्सियन लैंग्वेज में और संस्कृत दो ही लैंग्वेज में चलता था बट इन 1835 में क्या होता है एक इंग्लिश मैन आता है जिसका नाम मै मैकाले था सजेस्टेड अ चेंज उसने एक चेंज सजेस्ट किया यहाँ पे और उसने क्या कहा वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज कि हमें यहाँ के जो नेटिव है ना उनको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही टीच करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाना चाहिए तो दूसरा अंग्रेज बोलता है कि आई एग्री मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ ठीक है आगे देखिए इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्स इंग्लिश एजुकेशन जो थी उसने प्रोड्यूस किए क्लब प्रोड्यूस किए टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम जिसके अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें छोटी मोटी नौकरी दे दिया करते थे यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन लेने के बाद में जो लोग जो बच्चे जो यंग मैन पढ़ाई करके स्कूलिंग करके जब बाहर आते थे तो उनको वो छोटी मोटी जॉब दे दिया करते थे इंसिडेंटली इट है ऑल्सो अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और इंसिडेंटली क्या होता है यानी कि भाग्यवश होता क्या है कि ये तो अपने फायदे के लिए इंग्लिश एजुकेशन अप्लाई कर रहे थे यहाँ के लोगों पर कि हम क्या है सस्ते में इन uh, जब भी लोग इंग्लिश समझने लगेंगे तो हम इनको सस्ते में ही अपने कामों को इनसे करवा लेंगे बट वॉट हैपन दैट दे प्रोड्यूज अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलिकुअल इंटेलिक्यूअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी यानी कि स्कॉलर्स का एक जनरेशन उन लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया गलती से ठीक है यानी कि ऐसा नहीं था कि वो वो लोग तो अपना प्रॉफिट सोच रहे थे कि ये लोग हमारे अंडर में Uh, कम सैलरी में काम करेंगे लेकिन यहाँ दूसरी तरफ क्या हो रहा था इंडिया के अंदर कि इंटेलिकुअल्स डेवलप हो रहे थे एक जनरेशन पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो गई थी इंटेलिकुअल्स की बुद्धिजीवियों की और उन्होंने फिर क्या किया इन लोगों का विरोध करना शुरू किया क्योंकि वो लोग uh, सारी चीज़ों को समझने लगे वो इनकी पॉलिसीज को समझने लगे तो होता क्या है वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स हमें हमारे ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड ये जो तीन लोग हैं ये इंडियंस बात कर रहे हैं कि वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन और उनकी मटेरियल कंडीशन जो है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसिस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट और इसके लिए हम लोग कन्वे करेंगे कि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने दुखों के बारे में आवर ग्रीवेंसिस को हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताएंगे ठीक है आगे देखते हैं बाय एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स द ब्रिटिश हैड कंक्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया 1856 तक क्या होता है आप देखिए इस, इस जो मैप है इसमें देख लीजिए स्टेट्स तो येलो कलर में है एंड ब्रिटिश एरिया पिंक कलर से है तो 1856 तक जो ब्रिटिश थे वो कन्क्वायर कर चुके थे आ, होल ऑफ इंडिया को यानी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट को दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही कम इंडियंस की नीड को केयर करते थे यानी कि उनको इंडियन से कोई लेना देना नहीं था वो उनकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते थे आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स तो यहाँ पे बोलते हैं राइटर कि हमारे जो राजा थे ना वो उनके हाथों की पपेट बन गए थे कठपुतली बन गए थे एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स और हमारे जो पुरानी जॉब्स थी वो भी हम लोग खो चुके थे एंड लैंडस ज़मीनों को खो चुके थे दूसरा बोलता है दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे थे यानी कि क्रिश्चियन uh, बनने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे यू ओनली टॉक डू समथिंग एंड टू ड्राइव दैम आउट तो एक बोलता है कि पंडित जी को बोलता है कि तुम सिर्फ बातें कर रहे हो क्या डू समथिंग कुछ करो टू ड्राइव दैम आउट उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए उन्हें इंडिया से बाहर निकालने के लिए कुछ करो सिर्फ बातें मत करो आगे देखते हैं द स्पार्क्स स्पार्क्स का मीनिंग है बच्चे चिनगारी यानी कि ये जो एक चिंगारी फूटी भड़की तो वो कब भड़की क्यों भड़की कैसे भड़की किसकी इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता की ठीक है तो एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी सेवन का एक स्पार्क द स्पार्क्स का मीनिंग है वो चिंगारी भड़की किसकी नॉलेज की तो टैक्सेस कंटिन्यूज टू रून द पेजेंट्स टैक्सेस जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए हुए वो कंटिन्यू कर रहे थे रून करना किसको पेजेंट्स को, को यानी किसानों को इन बंगाल बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन पेजेंट्स का ख़राब था तो बंगाल में क्या था कि जो संथाल ट्राइब था संथाल एक ट्राइब है तो वो जो ट्राइब थी वो अपने सारे लैंड्स को इस एक अंग, आ, मतलब ब्रिटिशर्स ने एक नया लैंड रूल बनाया था यानी कि जमीनी नियम बनाए थे तो उनके बिहाफ पे ये जो संथाल ट्राइब था ये अपनी सारी जमीनों को अपने रहने की जगहों को खो चुका था तो क्या होता है बिकम डेस्प बिकेम डेस्परेट तो ये लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए कौन संथाल ट्राइब्स जो थी इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव दे रोज इन रेबेलियन एंड मेस्कियड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक और फिर क्या होता है उन्होंने रेबेलियन रोज किया यानी कि विरोध किया एक तरीके से आतंकी बन गए वो एंड दे मैस्केर्ड और उन्होंने खून खराबा करना शुरू कर दिया यूरोपियंस का और उनके सपोर्टर्स का भी आगे देखते हैं डिसकंटेंट वॉज ब्र्यूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी इज आर्मी टू डिसकंटेंट का मीनिंग होता है डिससेटिस्फैक्शन असंतोष ब्र्यूइंग कर रहा था मीन्स बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके अंदर भी असंतोष बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ऐसा नहीं था कि सारे जो लोग थे सारे जो सोल्जर्स थे दोज ऑल ओवर ब्रिटिशर्स नो इट वॉज नॉट सम ऑफ दैम वर्थ इंडियंस टू तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनकी जो आर्मी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें भी असंतोष फैल रहा था द रीजन वॉज दैट आगे देख लेते हैं <coughs> ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो क्या बातें हैं इनकी देख लेते हैं स्पीचेस हैं द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैंशन टू लिव इन सर्वेंट्स तो इनमें से एक कहता है कि जो वाइट सोल्जर्स हैं ना उनको तो ह्यूज़ पे मिलता है मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है मैंशन टू लिव मिलता है मतलब रहने के लिए बंगला मिलता है एंड सर्वेंट्स टू और नौकर भी मिलते हैं उन लोगों को तो वाइल वी गेट अ पीटेंस एंड स्लो प्रमोशन जबकि हम लोगों को तो क्या मिलता है पिटेंस मींस दान के तौर पर थोड़ा सा पैसा मिल जाता है एंड स्लो प्रमोशन और धीरे धीरे करके हमारा प्रमोशन होता है फिर आगे है द अंग्रेज क्रॉस द सी अंग्रेज हमें बोलते हैं सी क्रॉस करने के लिए विच इज अगेंस्ट आर रिलीजन जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट में है हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश आर एज ओल्ड एज ओल्ड कस्टम्स तो ये टोपी वाले होते कौन है अबोलिश uh, करने वाले यानी कि uh, खराब करने वाले तोड़ने वाले हमारे एज ओल्ड कस्टम्स को हमारे पुराने कस्टम्स को हमारे रीति रिवाजों को तोड़ने वाले अंग्रेज होते कौन है तो इस तरीके से ये तीन लोग बातें कर रहे हैं और चौथे ये हैं जो ये बोल रहे हैं कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए ठीक है आगे देखो थाउजेंड्स ऑफ of... यहां से पढ़ते हैं सेपोए मंगल पांडे अटैक देंटेंट Of his regiment and was executed. तो ये जो सेपॉय थे सेपॉय मीन्स होता है सिपाही मंगल पांडे जो थे वो भी एक इंडियन आर्मी में सपोए थे एक सिपाही थे उन्होंने अटैक कर दिया कि पे अपने ही रेजिमेंट के एक अधिकारी पे एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड और उनको क्या ये है। फिर फांसी दे दी गई किसको मंगल पांडे जो कि ये काफी फेमस करेक्टर रहे हैं अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के रिवॉल्यूशन के अठारह सौ सत्तावन की जो रिवॉल्यूशन थी उसमें शुरुआत ही मंगल पांडे ने की थी ठीक है तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी फिर थाउजेंड्स ऑफ अदर सपॉय रिवॉल्टेड फिर उनको देख के मंगल पांडे जी को देख के फिर थाउजेंड्स ऑफ सेपॉयज ने दूसरे सैनिकों ने भी रिवॉल्ट कर दिया मीन्स क्रांति कर दी देवर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म तो अंग्रेजों ने क्या किया उनको उनकी यूनिफॉर्म से स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया यानी कि उनकी यूनिफॉर्म को उतार दिया यानी कि उनको नौकरी से निकाल दिया ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स और उनको ह्यूमिलिएट किया मतलब उनको बहुत ज्यादा परेशान किया और उनको जेल में डाल दिया ठीक है आगे देखते हैं फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस कुछ इंग्लिश मैन ऐसे भी थे जो वाकई में इंडियंस की केयर करते थे उनको समझना चाहते थे ठीक है ओ प्राउड ब्रह्मन सोल्जर डू यू नो दैट द ग्रीस यू ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाईट इज मेड फ्राम द फैट ऑफ काओ एंड पिक्स तो यहाँ पे एक uh, व्यक्ति है जो कि दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम जाति के तो तुम ब्राह्मण हो लेकिन जो कि किस में थे ब्राह्मण सोल्जर बोल रहा है यानी कि एक ब्राह्मण जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिशर्स की आर्मी में एक सोल्जर है उसको बोल रहा है वो तो क्या बोलता है कि पुअर प्राउड ब्राह्मण सोल्जर डू यू नो क्या तुम्हें इस चीज का पता है कि जो ग्रीस तुम बुलेट के ऊपर से हटाते हो ठीक है उसमें क्या है वो बना हुआ है किससे काओ और पिग्स के फैट से बना हुआ है ठीक है यानी कि उन कारतूस में जो ग्रीस लगा हुआ है वो काव और पिग के फैट से बना हुआ है क्या तुम्हें इस चीज का पता है तो वॉट ये सरप्राइज हो जाता है ठीक है और फिर क्या कहता है द वाइट मैन हैज रिसीव्ड अस टू और ये जो आ, मुस्लिम भाई है ये भी बोलता है कि वाइट मैन ने हम लोगों को रिसीव किया ठीक है यानी कि देखिए अब सीधा सीधा है ये कि ये तीन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं पिक्चर के अंदर तो ये कौन है ब्राह्मण है ये है इंडियन सॉरी ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर है तो ये जो व्यक्ति है ये बोल रहा है कि प्राउड ब्राह्मण सोल्जर कि तुम्हें पता है कि जो ग्रीस को तुम बुलेट के ऊपर से यूज करते हो हटाते हो वो काऊ और पिग्स के फैट से बना हुआ है तो ये जो आ, सोल्जर है ये बोलता है वॉट तो फिर ये जो मोहम्मदन मुह, है ये भाई है ये बोलता है द वाइट मैन हैज रिसीव अस टू हम लोग को भी उन्होंने रिसीव किया मीन्स नॉट ओनली द इंडियंस को सिर्फ उन्होंने गाय का फैट उस पर लगाया काओ का फैट उस पर लगाया गाय का मांस उस पर लगाया बल्कि पिग्स का जो कि पिग्स एक रिलीजियस माना जाता है मोहम्डन्स के अंदर काओ को रिलीजियस माना जाता है इंडियंस के अंदर तो उन्होंने दोनों के ही रिलीजन को क्या किया खराब करने की कोशिश की आगे देखिए अब क्या होता है यहीं से शुरुआत हो जाती है और अच्छे से रिवॉल्व करने की क्रांति करने की सुन वर सेंट फ्रॉम विलेज टू तो विलेज टू तो टेल द पीपल दैट देयर तो एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज अब जल्दी से ही चपातीज भेजी जाने लगी एक विलेज से दूसरे विलेज के अंदर और लोगों को ये बताने के लिए कि उनका जो एम्प्रर है यानी कि उनका जो राजा है वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज उसको उनकी सर्विसेज की जरूरत है उसको उनकी सेवाएं चाहिए अब क्या हुआ है सिमिलियरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में क्या सर्कुलेट uh, uh, किया जाने लगा लोटस फ्लावर तो चपाती और गुलाब गुलाब और चपाती ये दो चीजें रिवॉल्यूशन का एक क्या थी साइन थी ठीक है ना सॉरी गुलाब नहीं कमल कमल और च लोटस हाँ कमल रोज होता है गुलाब तो लोटस और यानी कि कमल और चपाती ये दो चीज़ें थी वो रिवॉल्यूशन का एक साइन की फॉर्म में यूज़ की गई तो आ, विलेजर्स ने विलेजर्स को तो आ, चपाती डिस्ट्रीब्यूट की गई सेंट की गई इस मैसेज के साथ में कि उनका जो राजा है उसको उनकी सर्विसेज़ चाहिए और ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे ठीक है जो सोल्जर्स थे उनके बीच में क्या लोटस सर्कुलेट किया गया डेथ टू द फॉरेनर्स और सब ने एक चीज़ बना ली कि अब तो सिर्फ हमें फ़ॉरेनर्स की डेथ चाहिए उनकी मौत चाहिए आगे देखते हैं यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी तो जब उनके पास में ऐसे करके ये चपाती डिस्ट्रीब्यूट होती थी भेजी जाती थी तो वहाँ पे जो मेन उनका हेड होता था तो वो बोल देता था कि यस मेरे जो विलेज मैन है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अब तो सिर्फ हमें क्या चाहिए डेथ टू द फॉरनर्स राजाओं की मौत चाहिए ठीक है ना द मासज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रीओ्स और जो लोग थे ना वो पूरी की पूरी हेल्प दे रहे थे देते थे कि इसको देते थे पेट्रीओ्स को पेट्रीओ्स मीन्स देशभक्त जो लोग थे जिनको की रहने की खाने की चीज़ें चाहिए थी उनको पूरा का पूरा सहयोग दे रहे थे वहाँ के लोग यानी कि इंडियन पीपल आगे देखते हैं इंडियंस पूरा सहयोग दे रहे थे दिस इज द नेक्स्ट एट्थ पार्ट रिवॉल्यू रिवॉल्ट सॉरी एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन में अब रिवॉल्ट होने वाली है सो देन देर वॉज वॉयलेंट violent outbreak एट मेरठ मेरठ में एक वॉयलेंट आउटब्रेक हो गया भयानक हादसा हो गया और वो क्या था द सैपॉय मार्च टू दहली जितने भी सिपाही थे वो सभी दहली की तरफ मार्च करने लगे मार्च दहली की तरफ चलने लगे और दहली में कौन था एम्पर बहादुर शाह जफर था लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह और ऐसे बोलने लगे कि हमारा जो एम्परर है हमारा जो राजा है बहादुर शाह जफ़र उसकी जय हो यानी कि वो सभी सैपॉय जो थे वो बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा और अपना नेता बनाने के लिए दहली की तरफ चलने लगे द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर यानी कि ये जो विद्रोह था ये वाइडर होता चला गया तेज होता चला गया बढ़ता चला गया मैनी लैंड लॉर्ड्स है लॉस देअर लैंड एंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर अब क्या था काफी सारे लैंड लॉर्ड्स भी अपने लैंड्स को लॉस्ट कर चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से और वो भी कैसे थे सौर थे सौर मीन्स एंग्री थे क्रोधित थे परेशान थे नाराज थे द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड और सबका एक ही कहना था कि वाइट मैंस का जो रूल है ना वो एंड होना चाहिए यस वी विल हेल्प यू हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यानी कि रेबेलियंस के फेवर में अब सारे लोग हो गए सारे इंडियंस हो गए इन विद्रोही के फेवर में यानी कि क्रांतिकारियों के रिवोल्यूशनरी रेबेलियन नहीं कहें उनको रिवोल्यूशनरी कहें तो ज्यादा अच्छा है ठीक है अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो है द फाइट फॉर फ्रीडम अब संघर्ष शुरू हो गया स्वतंत्रता के लिए और ये था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का पहला संग्राम अठारह में मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर ये जो बेगम हजरत महल थी लखनऊ से शी वॉज ऑल्सो अ रूलर एंड शी वॉज ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू दीज ब्रिटिशर्स तो फॉर्मर थी ये पहले रूल, रूलर थी बेगम हज़रत महल तो वो भी लखनऊ से थी और बहुत ज्यादा परेशान थी द वाइट मैन टेकन अवे माई किंगडम और उनका कहना था कि जो वाइट मैन है यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मेरे किंगडम को उन्होंने मेरे राज्य को ले लिया है छीन लिया है ठीक है आगे है पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमद एह मदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल जो पॉपुलर लीडर थे उस टाइम के मौलवी जी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से थे उन्होंने लोगों को कहा कि राइज ब्रदर्स राइज द अंग्रेज इज रूनिंग लैंड कि भाइयों जागो ठीक है अंग्रेज जो है वो रून कर रहे हैं नष्ट कर रहे हैं हमारे लैंड को हमारे देश को हमारे कंट्री को दे ज्वाइन द अप्सर्स अगेंस्ट द फॉरनर्स और सारे ही लोगों ने इस अपसर्स को ज्वाइन कर लिया फॉरनर्स के अगेंस्ट में इस रिवॉल्यूशन को मैं पार्ट अपना लेना चाहा सभी ने पार्ट लिया द पीपल रोज़ एवरीवेयर लोग हर जगह से कहाँ से बरेली कानपुर और इलाहाबाद सारी जगह से इसमें पार्टिसिपेशन में निकले सब ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अजीमुल्ला खान टोल्ड त्यात टोपे अजीमुल्ला खान भी एक लीडर हैं रिवॉल्यूशनरी थे तो उन्होंने त्याता टोपे को कहा था दैट वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमें जो पेशवा नाना साहेब है ना उनको हमारा लीडर मान लेना चाहिए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किसने कहा था अजीमुल्ला खान ने त्याता टोपे को कहा था कि जो पेशवा नाना साहेब हैं उनको अपना लीडर मान लेना चाहिए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपना तो एट एट्टी ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज ट्विस्ट आगे है कि जो एट्टी इयर्स ओल्ड कुंवर सिंह और बिहार के जो कुंवर सिंह थे उनके रिस्ट पे यानी उनकी कलाई पे बुलेट लग गई तो उन्होंने क्या कहा दैट मदर गंगा दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग टू यू वो बोले कि मदर गंगा ये मेरा लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए तो इन सारे लीडर्स को कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार एंड अजीमुल्ला खान त्यात्या टोपे -त्या बेगम हज़रत महल तो ऑल दीज आर द लीडर्स हु took पार्ट there इन the revolution ऑफ 1857, the patriots pounced upon the british and fought ब्रिटिश एंड all over बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया जितने भी पैट्रीओ्स थे वो झपटने लगे ब्रिटिशर्स के ऊपर और एक बहुत घमासान लड़ाई उन्होंने की ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया पूरे नॉर्थ इंडिया में ये झगड़ा ये लड़ाई शुरू हो गई रिवोल्यूशन शुरू हो गई क्रांति शुरू हो गई और इस तरीके से फिर उस क्रांति पर विजय भी हम इंडियंस ने ली विजय पाई सो so, uh... सो स्टूडेंट्स वी कम्पलीटेड दिस चैप्टर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज योर वन सब्सक्रिप्शन ग्रेट डील टू मी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है थैंक्स अलॉड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो